तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर, और ये दिया है SOCl2 का स्ट्रक्चर, और ऑप्शन है इट कंटेन्स पी पाई एंड डी पाई पी पाई बॉन्ड या पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो हम लोग देखते हैं यार जो सल्फर है सेंट्रल एटम है, इसका कंफिगरेशन कितना होगा, तो ये हो जाएगा नियॉन और क्या हो जाएगा 3s2 और 3p4। अच्छा अगर हम ऑर्बिटल में इसको देखें तो ये हो जाएगा 3s2 और यहां पर हो जाएगा कितना 3p4। तो 3p4 में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अच्छा क्योंकि जो सल्फर है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो पक्का इसके पास डी ऑर्बिटल तो होएगा ही, हालांकि वैकेंट डी ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइजेशन में जब हम लोग पार्टिसिपेट कराते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है कैसे हो जाते हैं, अनपेयर्ड हो जाते हैं, और जब अनपेयर्ड होगा तो क्या कर जाएगा, डी ऑर्बिटल में भी ऑक्यूपाई कर जाएगा। अच्छा डी ऑर्बिटल में जब ऑक्यूपाई कर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और ये इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि यहां आ जाएगा एक्साइट होगा तो। अच्छा इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, तो सल्फर सल्फ्यूरिल क्लोराइड है और इसमें जो है 4 बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। As और 3p तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर गए, अब हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट कर जाएंगे तो कभी भी जो p ऑर्बिटल होगा वो पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ही नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये दो d ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो इसका मतलब अगर ये भी पूछता कि कितने d पाई p पाई बॉन्ड है तो ये भी बता ले जाते कि 2 d पाई p पाई बॉन्ड है। दूसरा पॉइंट है कि रेगुलर टेट्राहेड्रल है, सर रेगुलर टेट्राहेड्रल तो है ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा 1 है, थीटा 2 है, थीटा 3 है, और वैसे भी OSO बॉन्ड है, OSCl बॉन्ड है, और कौन सा है ClSCl बॉन्ड है, तीनों अलग अलग बॉन्ड है, तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे बॉन्डेंगे तो 109.5 नहीं होंगे, क्योंकि तभी ये रेगुलर टेट्राहेड्रल कहलाएगा जब तीनों बॉन्ड कैसे होंगे, तीनों बॉन्ड जो है 109.5 डिग्री के होंगे, तो यहाँ पर रेगुलर टेट्राहेड्रल तो नहीं होगा, तो इसका मतलब दिस वन एंड दिस वन ये गलत है। अच्छा अब थीटा 1 थीटा 2 बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल हम देख लें कौन सा सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे पहला है ओ एस ओ, इसको थीटा 1 बोलना है, फिर उसके बाद कौन सा होगा ओ एस सी एल, क्योंकि जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, और तीसरा वाला कौन सा है, ये शायद कौन सा बोला है थीटा 3 बोल दिया है, और ये वाला कौन सा है सी एल और एस सी एल, और इसको बोल दिया है थीटा 2। तो अगर ऑर्डर लगाए तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा थीटा 1, फिर थीटा 3, फिर कौन सा थीटा 2। अच्छा फिर उसके बाद क्या है, लास्ट है प्लेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इज 4। तो क्या एक प्लेन में 4 एटम है, नहीं सर एक प्लेन में तो 3 ही एटम है, क्यों, क्योंकि सेंट्रल एटम को भी मिला रहे हैं, तो ये टेट्राहेड्रल शेप होगा, अगर अगर मान लो टेट्राहेड्रल शेप होगा है ना, ज्योमेट्री नहीं होगी रेगुलर ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल शेप में होगा, तो हम कहेंगे कि सर एक तो प्लेन के ऊपर चला जाएगा और एक प्लेन के नीचे चला जाएगा, लेकिन बचेंगे कितने एटम, सेंट्रल एटम को लेके 2 एटम जो है वो क्या करेंगे, एक प्लेन सेंट्रल एटम को लेके 2 एटम और एक प्लेन में लाई करेंगे, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि 4 एटम तो जो है एक प्लेन में नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है और सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।